हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सी पहल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जिस सुप्रीम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत को खारिज कर दिया। इससे पहले हम अपनी वीडियो शुरू करें, यदि आप लीगल टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर नई नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, सबसे पहले मैं आप उसका नंबर बता देता हूँ ताकि वो आपको काम आ सके। तो दोस्तों, वो है 2012 वॉल्यूम टीवीटी 24 पेज नंबर 24-2, और केस का टाइटल है अमन शर्मा वर्सेज उमेश शर्मा, और जिसका फैसला 5 जुलाई 2022 को आया था। तो दोस्तों, इस केस के बारे में हम ब्रीफली नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम सिर्फ इस केस के सारे फैक्ट की बजाय आपको इसकी जो कंक्लूजन है वो बता देते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो पार्टियां आपस में केस फाइट करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, और एक पार्टी ये कहती है कि उसके दादा ने उसके नाम दो वसीयतें बनवाई थी, और दूसरी पार्टी ये कहती है कि उसके पिताजी ने उसके नाम एक वसीयत कराती है। तो दोस्तों, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वसीयत को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वो पार्टी उसमें जो उस टाइम के अटेस्टिंग विटनेस थे उनको कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाई, या उनकी गवाही उसने उन्होंने नहीं दिलाई, जबकि दूसरी वसीयत को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि उस कंटेस्टिंग पार्टी ने अटेस्टिंग विटनेस को ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया था, और वो बिल उस अटेस्टिंग विटनेस ने ये प्रूव कर दिया कि ये बिल फला व्यक्ति ने उस व्यक्ति के नाम कराई थी। तो दोस्तों, आज वीडियो में आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात की कि कब कोई वसीयत केवल कागज़ का टुकड़ा रह जाता था तो उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं रहती, यदि उस वसीयत को अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा प्रूव नहीं करते। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपकी कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।